जिन्हें ये भी नहीं पता कि भारत माता हमारी माँ है, इसे डायन नहीं कहा जाना चाहिए। ऐसे लोग कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे जो भारत माता को डायन कहते हैं। अरे ऐसे लोग कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे जो एक बेटी के रेप को साजिश बताते हैं। दुर्भाग्य की बात है, शर्म आती है हमें कि एक बेटी के रेप को भी वो विरोधियों की साजिश बताते हैं। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में, आपको बेटी की इज्जत माँ की इज्जत का अगर नहीं पता तो आपको तो एक मिनट भी सरकार में रहने का हक नहीं है। लेकिन वो तो सरकार में छोड़िए, वो तो उस भतीजे की सरकार भी नहीं चलने देते, वो तो भतीजे की सरकार भी नहीं चलने देते और कहते हैं मुझे तो इस देश का बादशाह होना चाहिए। वो कहते हैं मुझे तो इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। अगर संगीत सोम का बस चला तो प्रधानमंत्री के कार्यालय में चपरासी भी नहीं बनने दूंगा। प्रधानमंत्री की बात करते हैं, बात प्रधानमंत्री की करते हैं, मैं आपको प्रधानमंत्री के कार्यालय में चपरासी नहीं बनने दूंगा। किसानों को गन्ने का पेमेंट नहीं, पेमेंट मिलेगा नहीं, अरे मिलेगा भी कैसे, कैसे मिलेगा, जब चाचा आजम सारा पैसा ले गया तो मिलेगा कैसे, मुझे बताइए। अखिलेश जी का चाचा आजम जब सारे पैसे ले गया रामपुर यूनिवर्सिटी में, और एक यूनिवर्सिटी आतंकवाद का अड्डा बना के खड़ा कर दिया, एक यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती, जिसमें 80-80 लाख रुपए के गमले रखे जाते हैं। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं कि एक ही यूनिवर्सिटी को करोड़ों हजारों करोड़ रुपया किस आदेश से इस सरकार ने दे दिया। एक गरीबों की जमीन एक रुपया की लीज पे दे दी। कल भी आपने अखबार में पढ़ा होगा कि वहां के वाल्मीकियों के घर पे बुलडोजर चला दिया गया इस यूनिवर्सिटी के लिए। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ आखिर चाचा आजम से इतना डरते क्यों है अखिलेश जी, मैं पूछना चाहता हूँ। अरे डरते क्यों है, हम जानते हैं औकात आजम खान की भी, और जिस दिन समय आएगा उस दिन औकात बताने का भी काम करेंगे हम। दोस्तों हम औकात